सबसे बड़ी डिफिकल्टी हमारी बीमारी में ये है कि हमारी फैमिली और हम लोग बिल्कुल ही अलग अलग नजरिए से अपनी बीमारी को देख रहे हैं। आप लोगों की बीमारी के बारे में वो लोग भी नहीं जानते हैं और बहुत सारे गैस वर्क करके सोशल मीडिया या सो कॉल्ड अपने दिमाग से चलते हैं। किसी ने कुछ भी बता दिया, न्यूज़पेपर में कुछ भी पढ़ लिया विदाउट अंडरस्टैंडिंग क्लियरली। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कितनी सारी फैमिली इस तरह की प्रॉब्लम्स के लिए फेथ हीलर्स के पास जाती हैं, झाड़ फूक कराती हैं और कहती हैं कि ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, पूजा पाठ करते हैं, ये मानने को तैयार नहीं है कि ये एक बीमारी है और इसमें एक प्रॉपर ट्रीटमेंट की जरूरत है। आई थिंक सबसे पहले फैमिली जो हमें हेल्प कर सकती है वो अपने माइंड में अपनी नॉलेज एक्वायर करे कि हम किस तरह की प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं और हमारी बेस्ट पॉसिबल किस तरह से हेल्प की जा सकती है। समवेयर इफ दे डोंट हैव दैट नॉलेज एंड स्टिल दे आर गिविंग देयर सजेशन, आप बहुत सारी बार मैं ऐसा देखता हूं कि फैमिली आती है और बताती है कि ऐसे करोगे तो ठीक हो जाएगा। सो आई आस्क myself that if they know so much about this disease, why they are not able to help you? So somewhere I get very confused. I feel that they don't know about this disease, they don't want to understand about the disease, while without knowing they are giving you information. And in that process, it's not only they are getting misguided, but they are misguiding you also. They are creating a confusion in your mind also that what is your problem. So somewhere you remain confused, you are not decisive, not able to decide and keep taking wrong possible solutions for your problem. So mujhe lagta hai sabse pehle hamari family ko help karne ke liye aapki pareshani ke bare mein vistar se janne ki जरूरत है, समझने की जरूरत है, जिससे हमें ठीक तरह से गाइड कर सकें और हमें सही डायरेक्शन में मोटिवेट कर सकें। तो ये पहला फर्ज है आपका। दूसरा फर्ज ये है कि ये वाली सारी बीमारियों में जब हम बीमारी के ग्रस्त होते हैं, वी आर अनवेल विद डिजीज, वी डोंट अंडरस्टैंड व्हाट वी आर गोइंग, बाद में तो हमें एक सपने जैसा लगता है। हो सकता है हमें से कुछ लोग डिप्रेशन में कुछ ऐसा बिहेव कर दें जो नॉर्मली वो ना करें, दैट वाज डिजीज, उन्होंने नहीं किया, झगड़ा कर लिया, मारपीट कर ली, किसी का सर फोड़ दिया, ये सब बीमारी का हिस्सा था, वो नहीं करते ऐसा। या हमें से किसी ने नशे की हालत में कुछ चोरी कर ली, सामान उठा के ले गया, नॉर्मली ए ह्यूमन बीइंग विल नॉट डू दैट। ये सब क्यों हुआ? ये एक बीमारी का पार्ट था। अब जब हम इस बीमारी से बाहर निकलते हैं तो हमें बिल्कुल भी याद नहीं रहता है कि हम इस तरह की हरकतें कर रहे थे। हमें तो लगता है हम तो ठीक थे, हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, घर वालों ने ओवरली रिएक्ट किया, हमें तो यहाँ आने की जरूरत नहीं थी, हमें कोई मदद की जरूरत नहीं थी, हम तो अपनी लाइफ को खुद ही संभाल सकते थे। एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही जरूरी है कि परिवार को आपसे खुल के वो सारी चीजें शेयर करनी चाहिए जिस वजह से उन्हें ये मजबूरी हुई कि आपको यहां लाना पड़ा। बिकॉज देखो, डॉक्टर नहीं जानता है उस चीज को और डॉक्टर को आप कभी ट्रस्ट भी नहीं करोगे, वो तो नहीं था वहां पे। अगर मैं कहूंगा कि आप इस तरह से बिहेव कर रहे थे तो आप पूछोगे जी आपको क्या पता, मैं कहूंगा जी आपके घर वालों ने कहा, लेकिन घर वाले तो थे ना, they were physically present there, they were part of that situation, और उस चीज को best कौन बता सकता है? घर वाले। And आप उनकी इस integrity को doubt नहीं करोगे कि वो तो आपको manipulate कर रहे हैं। नहीं boss, वो तो आपकी भलाई के लिए आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बीमारी का असली रूप कौन बता सकता है आपको? आपकी family।
सो पहली चीज हुई कि उन्हें सबसे पहले आपकी बीमारी की अच्छे से जानकारी लेनी चाहिए और तभी सही तरीके से आपको गाइड करना चाहिए। दूसरी चीज, आपको आपकी बीमारी के बारे में नॉन बायस्ड होके, गाली गलौज से नहीं, गुस्से से नहीं, प्यार से एजुकेट करना चाहिए कि बीमारी की हालत में आप किस तरह की चीजें कर रहे थे और आप किस तरह से आउट ऑफ कंट्रोल थे जिस वजह से आपको यहाँ तक लाने की नौबत आई। कोई ऐसा नहीं है आपको हेट्रेट करते हैं, वो ऐसा नहीं है आपसे दुखी है, ऐसा नहीं है आपके दुश्मन है, दे आर योर फैमिली, आपको प्यार करते हैं, बेहिंता मोहब्बत करते हैं तभी इलाज कराने लाए। अगर आपसे प्यार ना करते, दुश्मन होते तो सड़क पे छोड़ देते, धक्के मारते कि जाओ गेट लॉस्ट, कोई जरूरी नहीं आपको इलाज कराने की, और इस ऐसे अस्पताल में ले जाते, मेंटल हॉस्पिटल शाहदरा में बंद कर देते कि भैया रहो तुम यहीं पे रहो। कहीं ना कहीं उनका लव एंड अफेक्शन है कि वो आपको बेस्ट फैसिलिटीज दे के आपको ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू हेल्प। समझ गए दूसरी बात। अब तीसरी बात, देखो हम लोग एक बहुत सीवियर टर्मोइल से गुजर रहे हैं, हमारे ब्रेन में सारा कुछ केमिकल चेंज हो रहे हैं, बहुत तेजी से बदल रहे हैं, एंड हम कुछ भी कर सकते हैं, हम चीजें तोड़ सकते हैं, हम अपना सर फोड़ सकते हैं और हमारा थॉट प्रोसेस गड़बड़ा जा सकता है। मैंने कितने लोगों को देखा है यहां पे, वो कंक्लूजन ड्रॉ कर लेते हैं, ये आदमी तो मेरा दुश्मन है, ये शक्ति कर रहा है, मैं तो इसको दिखाऊंगा बाहर निकल के इसका मर्डर कर दूंगा, मैं तो नशा जरूर करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। बस देखो ये सब क्या है, टेम्परेरी फेज। अल्टीमेटली आपकी फैमिली और आपके डॉक्टर्स आपके वेल विशर हैं, वो आपकी मदद करना चाहते हैं और ये बात आपको उन्हें खुल के बतानी पड़ेगी कि बॉस तुम जो सोच रहे हो शायद तुम अभी नहीं समझ पा रहे हो, विद टाइम तुम समझ पाओगे, मैं तुम्हारा वेल विशर हूं बॉस, मैं कोई दुश्मन नहीं हूं, मैं तुम्हें सोच समझ के अच्छी जगह लाया हूं कि तुम्हारा इलाज हो जाए, तुम्हें हर तरह की सुविधा रहे, तुम अच्छे से ठीक हो जाओ और अपनी लाइफ को अच्छे से फेस कर पाओ। सो तीसरी चीज, वो क्या कर सकते हैं, आपको बार बार रीइंफोर्स करें, समझाएं कि भाई देखो देयर वाज अ रीजन, इस वजह से आप यहाँ पे आए और इस रीजन में आपकी वो मदद करने को तैयार हैं, और जब तक आप इस पूरे प्रोसेस से नहीं निकलोगे और ठीक नहीं होगे तब तक आपकी ये सोच में बदलाव नहीं आएगा, आपको थोड़ा समय चाहिए अपनी सोच में बदलाव लाने के लिए, एंड ही इज विद यू, आपका परिवार आपके साथ है, आपके अगेंस्ट झगड़ा नहीं कर रहा है, वो आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा है, और इस टाइम में थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ एंड थोड़ा सा शांत हो, सो वी स्टार्ट फीलिंग, एंड आई थिंक हमें उनको ट्रस्ट करना चाहिए उस स्टेज में, और क्योंकि हमारा जजमेंट इम्पेयर्ड है, देखो मेंटल इलनेसेस में जजमेंट इम्पेयर हो जाता है, सोचने समझने की क्षमता गड़बड़ा जाती है, हमें कुछ अजीब अजीब से थॉट्स आने लगते हैं, उस टाइम में आई थिंक द फैमिली इज बेस्ट टू गिव अस अ राइट डायरेक्शन। ठीक है, ये तीसरी चीज होगी। चौथी चीज, यहां रहते रहते उन्हें बीमारी के बारे में और हमारी मदद कैसे कर सकते हैं इसके बारे में इन डिटेल समझना चाहिए और जानकारी लेनी चाहिए कि हमारे लिए क्या क्या करना जरूरी है, बेमुकाबले अपनी तरफ से सोच में रहें और चीजों को मैसअप फिर से कर दें। जैसे मैंने इनवेरिएबली देखा है, दवाई दे रहे थे जी, दवाई बंद कर दी, क्यों बंद कर दी थी, साइड इफेक्ट हो रहे थे, मैंने पूछा भैया डॉक्टर से पूछा था कि तुम्हें बंद करनी है या चेंज करनी है, नहीं हमने तो नहीं पूछा। नाउ समवेयर वी आर बिकमिंग ए कॉज ऑफ द होल प्रॉब्लम। हो सकता है 2-3 साल के कोर्स के बाद बीमारी ठीक हो जाती है, अब बार बार अटैक आ रहा है, अब वो बीमारी बढ़ के दुगनी चौगनी हो गई, हु इज रिस्पॉन्सिबल। अभी कल मेरे पास एक फादर आए, उनका लड़का कुछ 23-24-25 साल का है और तुलसी में एडमिट था, कोविड के टाइम पे अनफॉर्चुनेटली हमें उसको जल्दी डिस्चार्ज करना पड़ा क्योंकि यहाँ कोविड का आउटब्रेक हो गया। नाउ 1 महीने तक दवाई खाई, उसके बाद में दवाई खानी उसने
बंद कर दी। अब 4 महीने बाद वो फिर से बीमार हो, अजीब अजीब हरकतें कर रहा है। पिछली बार जब वो एडमिट हुआ तो वो तिहाड़ जेल में 4 दिन रह के आया था। उसने इतना हंगामा कर दिया था कि उसे तिहाड़ जेल ले जाना पड़ा और वहां से फिर बेल हुई, फिर यहां इलाज के लिए लाए गए। अब सोचो, अब वो फिर से बीमार हो गया, कितना पेनफुल है। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि मुझे लग रहा था कि फादर का सर फोड़ दूं। भाई जब वो दवाई बंद कर रहा था उस टाइम ने आपने उसको क्यों नहीं समझाया, आपने उसका साथ क्यों दिया, उसकी बात क्यों मानी। अब 4 महीने वो ठीक रहा और अब वो बीमार हुआ है, अब 3 महीने लगेंगे उसको ठीक होने में। और फिर 3 महीने बाद अगर उन्होंने ठीक से नहीं समझा तो फिर से दवाई बंद करेंगे, और फिर से दवाई बंद करेंगे, फिर से लक्षण आएंगे, फिर से बीमार होएगा। ये जिम्मेदारी हमारे साथ साथ किसकी है, फैमिली की है, कि बॉस ये गंदी दवाइयां हैं, कैंसर जैसी गंदी दवाइयां हैं, मगर कोई डॉक्टर तुम्हारे दुश्मन नहीं है, डॉक्टर के पास ऑप्शन नहीं है और ये दवाइयां तो खानी ही पड़ेंगी। अगर नहीं खाओगे तो फिर से बीमार पड़ोगे, फिर से वही हालात आएंगे। और ये जिम्मेदारी हमारे साथ साथ किसकी है, हमारी फैमिली की। नाउ द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन फ्यूचर देखो, हम जिस बीमारी से सफर कर रहे हैं ये क्रॉनिक रिलैप्सिंग बीमारी है, बार बार इसका अटैक आ सकता है और हो सकता है जब हम बीमार हों तो अपना आप को अच्छा बुरा ना सोच पाए। और ये फैमिली की जिम्मेदारी है कि उस टाइम में अर्लीस्ट हमें मदद के लिए लाएं, जिससे कि हम अपना नुकसान जरूरत से ज्यादा ना कर सके। क्या है? इस बीमारी में हमें पता ही नहीं होता है, हम अपनी बर्बादी कर देते हैं, सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। ये हम तो नहीं समझ पा रहे हैं हम बीमार हो रहे हैं, ये कौन समझ सकता है, हमारी फैमिली समझ सकती है। एंड उस टाइम में ये फैमिली की जिम्मेदारी है कि बाय हुक और क्रूक, प्यार से, गुस्से से, किसी भी तरह से वो लाएं और हमारे को इलाज कराएं। कोई जरूरी नहीं है भर्ती करने की जरूरत पड़े, हो सकता है बीमारी थोड़ी हो तो ओपीडी में ही काम चल जाए, हो सकता है 2-4 गोलियां ही खा के ठीक हो जाए, हो सकता है थोड़ी सी काउंसलिंग से हम ठीक हो जाए। बट ये परिवार को हमारे साथ में मदद करनी पड़ेगी, ठीक है। सो